भीलवाड़ा में हमारे बीच बैठे हैं धीरज सकरानी जी। धीरज सकरानी जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उत्सुक हैं बहुत बात करने के लिए, बताइए। नमस्कार सर, मैं भीलवाड़ा राजस्थान वीर सावरकर चौक से धीरज सकरानी। पिछले कई साल से सर मैं किडनी का पेशेंट हूँ और 3 साल सर मेरी चिरंजीवी के अंदर मुफ्त डायलिसिस हुई है निःशुल्क महात्मा गांधी अस्पताल CMHO साहब के सानिध्य में। अभी 21 नवंबर को लास्ट मेरा ऑप्शन हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में निःशुल्क सर। मेरा इलाज का सर कोई चार्ज नहीं लगा और मेरी माताश्री ने मुझे किडनी है और मैं आपकी इस योजना से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत लाभार्थी हूँ सर। मैं आपका माननीय अशोक साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये धीरज, तुम्हारी माता जी पास बैठी हुई क्या? बिल्कुल बिल्कुल माता जी। ये नमस्ते सर। माता जी क्या नाम आपका? चांदनी सकरानी। अरे माता जी, आपने बच्चे की जिंदगी बचा दी। हर माँ तो बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, पर सरकार की जो योजना है इसीलिए हमने पहले 10 लाख, दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी सब जगह 5 लाख का बीमा होता है, हमने 2 साल पहले 10 लाख का किया, अब 25 लाख का कर दिया। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो मुझे सुन रहे पूरे प्रदेश के अंदर, कि 25 लाख का बीमा है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोई ट्रांसप्लांट है, सबके लिए पैकेज है हमारे अपने सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट के अंदर, वो पैकेज दिए जाते हैं और आराम से वो इलाज करवा सकता है, उनका पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर आदमी घर से पैदा करके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्च नहीं कर सकता है। अलग अलग अस्पतालों की अलग अलग रेट होती है, ये भी हमने छूट दी है। ये जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को हमने छूट दे दी है। अगर कोई चाहे कि मैं चेन्नई में करूँगा ऑपरेशन, बेंगलोर में करूँगा, दिल्ली में करूँगा मान लो, तो जो पैकेज का पैसा हमारा है पैकेज, वो हमने अलाउ कर दिया है, वो कहीं जाके इलाज करा सकता है। हमने जो पैकेज बनाया 15 लाख का, 20 लाख का, किडनी का या लीवर का, वो पैकेज हम माफ भी देंगे उसको। इस प्रकार हमने छूट दे दी है सबको, अपनी तसल्ली से इलाज करवाए, उसके पीछे मकसद यही था। मुझे खुशी है कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो गया है और अब तुम जिंदगी भर आराम से अपने जो प्रतिभा है उसका उपयोग कर पाओगे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरी बहुत बहुत तेरे प्रति शुभकामना, धन्यवाद। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी भीलवाड़ा जिले में उमा सोनी जी भी बैठी हुई हैं। उमा सोनी जी नमस्ते सर जी, बताएं। मैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी से बोल रही हूँ सर। मैं बहुत खुश हूँ आपने जो रोजगार दिया है, सारी औरतें बहुत खुश है। आपको, आप मीठे हैं? हाँ सर। उमा सोनी जी आप मीठे हैं? हाँ सर। आपका अनुभव क्या है बताओ, जो नरेगा में मजदूर आते हैं उनको पेमेंट टाइम पे मिल रहा है? हाँ सर। और आपको मिल रहा है? बहुत खुश है सर, सारी औरतें काम करके भी। अच्छा, 100 दिन की बजाय आपको मालूम है, हमने आपके नरेगा में 100 की बजाय केंद्र सरकार की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया गांधी जी, तब इसकी बनी थी नरेगा की कानून बना के जो देश में अधिकार मिले हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज़ादी के बाद में पहली बार कानून के अंदर का सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार महात्मा गांधी के नाम से, नरेगा का नाम से, शिक्षा का अधिकार, मध्यम क्लास के बच्चे, गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, सरकार फीस दे रही है। अभी हमने फैसला किया है, पहले 8वीं तक का कानून बना हुआ दिल्ली का, मैंने फैसला किया कि राजस्थान में अब 8 की बजाय 12वीं तक के बच्चों को भी राजस्थान सरकार उनकी फीस देगी प्राइवेट स्कूल के अंदर। इस प्रकार से चाहे वो RTE हो, नरेगा हो, RTI हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, हमारे यहाँ 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हम लोग। तो ये जो स्कीमें बनी हैं
इसके अंदर के नरगा चल रहा है। पर तुम्हें जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूँगा, अभी सरकार ने निर्णय किया है हम अपने खर्चे से, राजस्थान गवर्नमेंट अपने खर्चे से 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार देगी राजस्थान के अंदर, ग्रामीण के अंदर। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसके अंदर भी हम लोग पहले 100 दिन किए थे, अब मैंने कह दिया 125 दिन रोजगार मिलेगा शहरों के अंदर भी गरीबों को। इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। कुछ जगह शिकायत आती है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिला, वो मैं दिखवा रहा हूँ। मैं चाहूँगा नरेगा के मजदूरों को, मेट को टाइम पे DBT हो, टाइम पे पैसा मिला आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब हम पुनः हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले में श्रीमती सुखप्रीत हैं हमारे बीच, जो पिछली बार तकनीकी कारणों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, आपकी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ नहीं हो पाई थी। तो अब थोड़ा सा माइक दूर रख के आप अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, लड़की हुई है तो योजना मिली है मेरे को, तो मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार चौधरी साहब। हाँ भी थारी जय जयकार होना रही है, थे कोई कमी कौन छोटी स्कीम में, जद भी थारा लफ्स मुंह खोले ना थे, लोगों ने कीन की दी हुई है, इंगी बच्ची हुई साहब, सात महीने की बच्ची हुई। हाँ मुख्यमंत्री जी थोड़ा मेरे का नहीं ध्यान दो, आप इनके 7 महीने की बच्ची हुई और इन्होंने 3 महीने ट्रीटमेंट इनको मिला, फ्री इलाज हुआ, बच्ची स्वस्थ है, इनके पास है बच्ची, तो ये हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सभी स्कीमें लोग, हमारा हाल जो है हजारों जो है लाभार्थी आए हुए हैं और आपसे बात करने के बड़े उत्सुक हैं ये सब। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम है मनकैश जी। मनकैश, मनकैश। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम रखा आपने, आपको बधाई आपको। और चौधरी साहब जो बता रहे हैं कि आप प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी और बच्ची को रखना पड़ा आपको ICU में, और 4,90,000 का आपको निःशुल्क इलाज हुआ, इस बजाय ये बात जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप कल्पना कीजिए कितने परिवार है राजस्थान के अंदर तो इस प्रकार से इलाज करवा सकते हो, जिनके घर में कोई तकलीफ है इलाज की, और 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 का इलाज मिल जाए उसको, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। तो मुझे खुशी है कि आपको 4,90,000 रुपये बच गए आपके, वरना बच्ची को बचाने के लिए आपको कई तकलीफ उठानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान दिवस पर थे लाभार्थियों ने मिलने को जो प्रोग्राम रखे इन वास्ते थाने बहुत बहुत बधाई, और थारी बड़ी लोगों का भाई भाई होने लग रही है, थे लोगों ने अच्छी स्कीम दी है, बड़ो फायदो मिलने लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद थारो, थैंक यू। प्रोग्राम ए, बच्ची को मेरा आशीर्वाद, तो मेरा प्रोग्राम रखोगे बच्ची के बर्थडे पर रखोगे क्या? कब रखना चाहते हो प्रोग्राम? मनकैश मेरा नाम, आपका बर्थडे जन्मदिन है, जन्मदिन का प्रोग्राम कल 21 दिसंबर को। विनोद चौधरी जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद आपका, अच्छा लगा। इसी जिले में हमारे साथ श्री राजेंद्र दास भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र दास जी आप अपनी बात रखना रखिए। हेलो मैडम, मैं राजेंद्र दास का पुत्र बोल रहा हूँ, जो हमारे किले के अंदर 17 तारीख 10वें महीने को डेथ हो गई थी, उसके दौरान जिला कलेक्टर SP आए और हमारे गणेश बंसल राजीव बंसल जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बताया कि सरकार चिरंजीवी बीमा के अंदर 5,00,000 का आपको सहयोग देता है, सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र दास जी मुझे खुशी है कि आपको
पैसा मिला दुर्घटना में, पर दुर्घटना होना बहुत दुखद होती है। दो महीने में मिले जी गिलोज जी। दीवार गिरने से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, इस बात का मैं दुख है। और ये जो बीमा हमने कर रखा दुर्घटना का, हाँ जी, ये इसीलिए कर रखा कि दुर्भाग्य से कभी दुर्घटना हो जाए तो कम से कम एक परिवार राहत मिल जाए। इस मौके पर मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर लोग बैठे हैं, 2 लाख के अधिक लोग बैठे हैं, उन तमाम लोगों को चाहिए कि तमाम स्कीमों की जानकारी रखे वो लोग, जिससे कि समय आने पर आप गाइड कर सको। कई परिवारों ने अभी तक चिरंजीवी योजना में अपना नाम नहीं लिखाया है। मैं अपील करूंगा कि इलाज सबका फ्री हो रहा है, शानदार स्कीम में दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री है। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें सब लोग, और जो पैसे वाले हैं उनको खाली 850 रुपये देने पड़ते हैं, बाकी फ्री है। इसके अंदर प्रीमियम सरकार भर रही है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि आपने सबके लाभार्थियों की बातें सुनी, सब लाभार्थियों को कितना बड़ा फ़ायदा मिला है उसका एहसास आप सबको हुआ होगा। मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आइए, और कोई परिवार अछूता नहीं रहे, सब लोग इसमें जुड़ सकें, ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का भी है, ब्लॉक प्रशासन का भी है, और आप सबका भी, लाभार्थियों का भी है। लाभार्थियों को बुलाया इसलिए आज है, लाभार्थी उत्सव के रूप में हम इकट्ठे हों और ये संकल्प लेके जाएं। हम जाके गांव-गांव में बताएंगे, कोई परिवार छूटेगा नहीं, जैसे कि समय आने पर कोई तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद। दौसा जिले से जो लाभार्थी हैं अनीशा मीना जी, वो यही सभागार में उपस्थित हैं। जयपुर के लाभार्थी हमारे साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं इसी सभागार में। तो अनीशा मीना जी हमारे साथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जयपुर से जो लाभार्थी हैं लक्ष्य जांगीर, वो अपनी बात जी हम देख सकते हैं। लक्ष्य जांगीर जी, आप अपनी बात को रखें। नमस्कार सर, मैंने चिरंजीवी बीमा का 11 लाख का बीमा का योजना का लाभ लिया है सर। मेरे बेटे के ब्लड कैंसर था, तो मेरे पता लगा, फिर मैं बाहर में गया उधर, तो मेरे को हॉस्पिटल वाले बोले कि 10 लाख 11 लाख का खर्चा आ रहा है। मैंने कहा आप क्या करें, अपने पास तो ज़मीन बेचेंगे या कोई कर्जा लेंगे, तो चुकेगा नहीं, ज़मीन बेचेंगे तो किराए में देंगे, फिर अब मैंने क्या करें। तो मेरे को सलाह दी कि आप महात्मा गांधी में जाना एक बार, वहाँ पता करो एक बार। महात्मा गांधी में गया मैं, वहाँ पता लगा मेरे को कि आपका इलाज हो जाएगा, मुफ्त हो जाएगा। श्रीमान मुख्यमंत्री जी का एक योजना है जो 11 आपका इलाज पूरा फ्री हो जाएगा। मैंने कहा साहब कर दो, मेरे को यकीन भी नहीं हुआ एक बार तो। मैंने कहा एडमिट कर लो फिर, कि आप तो डॉक्यूमेंट ले आओ। फिर मैं डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में मेरा पूरा इलाज हो गया। 6 जनवरी 2023 को ट्रांसप्लांट हो गया बोन मैरो का, और अभी बच्चा स्वस्थ है। और आगे मैं यही चाह रहा हूँ कि भविष्य में बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, मेरे पड़ोस में एक बच्ची थी, एक जन्म ली थी, वो बच्ची बोले कि 3-4 लाख रुपये खर्चा आएगा। मैंने कहा क्या करें, फिर दिखाया तो उसका नहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन था न कोई और था, तो उसका इलाज भी इसी योजना में फ्री हुआ, पड़ोस में रहने वाली बच्ची का। तो मैंने ऐसी ऐसी योजना है, मैं तो ये चाह रहा हूँ ये योजना हुई ये पूरे देश में लागू करें साहब, इतनी मेरे को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद साहब को इसी बात के लिए। जहांगीर साहब आपको धन्यवाद कि आपने जो है अपने अनुभवों का लाभ अपने पड़ोसी को दिया, उनका इलाज भी करवाया। आपका बच्चा स्वस्थ है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कृपा करके सभी लोग चिरंजीवी योजना में अपना